सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जुकाम है, सो जुकाम ही है, और तो घर सब ठीक है। सो आज बहुत सारे लोगों कमेंट आए थे मेरे पास कि दीदी आप जो है एक वीडियो बनाइए जिसमें आप अपने अखंड ज्योत का जो नवरात्र में जलाती हैं उनका कलेक्शन दिखाइए, साथ ही हमें सबसे अच्छी ज्योत कौन सी होती है ये भी बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये ज्योत दिखाना चाहूंगी। इसमें पीछे के साइड कुछ ऐसा सा स्टैंड होता है और ये कुछ ऐसी सी होती है। इसमें आपको क्या समस्या हो सकती है और क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर जगह समतल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस दीपक के गिरने का थोड़ा सा धक्का लगेगा, तो ये तेजी से गिर जाएगा, ये डर है। इसमें बत्ती खड़ी खड़ी लगती है। अगर आपने ध्यान दिया हो और बत्ती अगर थोड़ी सी भी आपकी वेटेड हुई या लाइट हुई तो बत्ती सरकने का भी डर रहता है, नीचे चली जाएगी बत्ती। उसको साफ करते समय विशेष ध्यान रखना होता है। सो एक इसका ये जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें तेल अच्छा खासा आ जाता है। इसमें 250 ग्राम के करीब तेल जो है वो इजीली आ जाएगा, लेकिन ये गिरर बहुत तेजी से जाएगी, जरा सा ढक्का लगेगा और ये चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ज्योत है ये। इसका स्टैंड थोड़ा छोटा है, कटोरी इसकी जो है ऊपर की बहुत बड़ी है। इसमें 500 ग्राम करीब आ जाएगा, इसमें 500 ग्राम के तेल आ जाएगा। समस्या इसमें वही है, बत्ती खड़ी, हाँ 500 मिलीलीटर ml, तो हाँ ये ग्राम नहीं आएगा, ml में आएगा, तो वो आ जाएगा। और इसमें भी बत्ती की वही समस्या है, ये इतनी तेजी से नहीं गिरेगा जितनी तेजी से ये गिर जाएगा, क्योंकि इसके जो बीच का मामला है ये बहुत पतला है, ये इतनी तेजी से नहीं गिरेगा। जब अच्छा वाला ढक्का लगेगा तो ही गिरेगा, क्योंकि इसमें तेल भी ज्यादा आता है और बीच में सिर्फ ये हल्का सा आधा इंच के करीब का जो वो गैप है। अच्छा, ये आपस में शायद खुल जाता है या नहीं खुलता, हाँ ये दोनों आपस में ऐसे पेच लगे हुए खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। ये दोनों में ही सेम सिस्टम है, पीतल के दिए हैं दोनों। आप थोड़ा सा इन दियों को लेते समय ये ध्यान रखना होगा आपको बत्ती का, ठीक है। इसके बाद दिए थोड़े से महंगे भी आते हैं। हम चलते हैं सबसे बजट फ्रेंडली और सबसे अच्छे दिए की तरफ, तो वो है ये दो तांबे के दिए। ये आपको मार्केट में कई साइज में अवेलेबल हो जाएंगे। ये दिए ना ही गिरेंगे और ना ही जो है वो कहीं लुढ़केंगे, ना ही आपकी बाती गिरेगी। इसमें जो माइनस है वो ये कि जब यहाँ बत्ती जलेगी आपको इसको लगाते समय इसके नीचे एक प्लेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब बत्ती जलेगी तो जिसका तेल का रिसाव होगा वो कुछ यहाँ से होगा, नीचे प्लेट में तेल फैल जाएगा। ये दीपक बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं। ये छोटा दीपक है और ये इसका एक बड़ा दीपक है, मार्केट में कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो यही है। उसके बाद हम चलते हैं एक और दीपक की तरफ जो कि पीतल में है। ये दीपक ये कुछ इस प्रकार का है। ये दीपक बहुत सही है, सस्ता भी मिलता है, 250-300 के अंदर आ जाता है। इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट जो है वो है, नहीं तो और कुछ नहीं, कि आपका जो बत्ती यहाँ से चलेगी उसका तेल नीचे चला जाएगा, या फिर आप अपनी बत्ती को यहीं तक रखिए, ये बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। आप बत्ती यहीं तक रखेंगे तो तेल भी नीचे नहीं जाएगा। बड़ी बात क्या है कि इसमें कोई भी जोड़ जो है वो नहीं है, सो इस दीपक में जोड़ नहीं है। अच्छी चीज जो है वो इसमें कि इसके अंदर कोई जोड़ नहीं है। इसके बाद हम एक और दीपक की तरफ चलते हैं। ये दीपक है, इसमें दो बातियां हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। सो ये नवरात्र में चूंकि जलता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इसका। अब हम चलते हैं एक और दीपक की तरफ। ये एक दीपक है, इसमें ज्यादा तेल नहीं आता है, ये बहुत सुंदर सा लगता है देखने में। एक आध दिन की अखंड ज्योत तो इसमें जलाई जा सकती है, लेकिन 9 दिन के लिए ये रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे इसमें जोड़ है और अक्सर ये दीपक यहीं से लीक करता है। मेरे पास ये 4-5 दीपक है, इनके साथ जो प्रॉब्लम ये है कि ये यहीं से लीक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पे जोड़ है, अंदर पॉलिशिंग है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जोड़ का डिजाइन है। अंत में हम चलते हैं जो मैं आपको सबसे बढ़िया दिया दिखाऊंगी, और ये रिजनेबल भी है, प्राइस भी बहुत अच्छा, और इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये दिया कुछ इस प्रकार का है, इसमें कोई जोड़ नहीं है,
इसमें बहुत सा ज़्यादा कैपेसिटी का तेल जो है वो आ सकता है। बड़े दिए भी आते हैं इसमें, छोटे भी आते हैं इसमें। प्लस पॉइंट ये है कि आपकी बाती यहाँ रहेगी, यहाँ पर एक कर्व है, कट है, तो जो आपकी बाती जलेगी, एक्सेस ऑयल उससे जो भी निकलेगा वो इसी कर्व से वापस आके इसी दिए में वापस आ जाएगा। तो आपको इसके नीचे अलग से प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला दिया आपको हो सकता है लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन चूंकि मैंने इसे अमेजोन से ख़रीदा है, सो मुझे तो अमेजोन से मिला। हमारे एक सब्सक्राइबर है गौरी जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उसके बाद मैंने दीपक को लिया। और ये 4 पॉइंट कुछ नंबर का दिया है और इसमें इतना तेल आता है कि जैसे कि मैं सुबह भर दूंगी ये शाम तक आसानी से जलेगा, शाम को भर दूंगी तो ये रात तक आसानी से जलेगा। सो काफ़ी चल जाता है, एक बार भरने पर 12 से 13-14 घंटे ये दीपक जो है जलता है। ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, इसके बहुत सारे नंबर से जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पे इसके रिव्यू भी है, फीडबैक भी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों ये जो है वो मेरी नवरात्र के दिए के जो है वो कलेक्शन है। बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी कलेक्शन भी दिखा दीजिए अखंड ज्योत का, और जो है वो दियों के बारे में कुछ खूबियाँ भी बता दीजिए। सो मुझे लगा मैं सब कुछ इसी में जो है वो शेयर कर देती हूँ। एक दीपक ये है, एक दीपक ये है, एक दीपक ये है और एक दीपक ये है। तो आप इसमें से जो भी जलाना चाहें वो जला सकते हैं, कहीं कोई समस्या जो है वो नहीं है। सो ये रहे इतने सारे दीपक। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।